हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश कुमार रॉय आप सभी को एक बार फिर से लेवो शेयर कैंप में स्वागत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा आइकन का बटन भी आप प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास तुरंत सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग देखें इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें। तो चलते हूँ, मैं मेरे चैनल का नाम है लेगुसियर केम, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ अपने क्लास की ओर। इसके पहले मैंने बताया था आप लोग को, तो क्लास मैंने लिया है, ठीक है। तो इसके पहले मैंने बता दिया था आप लोग को, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर क्लासिफाइड किया गया था। उसके बाद उसको डिफिनेशन और एक्सप्लेनेशन के साथ उसको मैंने बताया था क्या चीज़ होता है मैटर का, मैटर कितना टाइप्स है के बारे में पूरा डिटेल मैंने बता दिया था। तो नेक्स्ट का क्लासेस जो है कि मिक्सचर, मैंने भी बताया था मिक्सचर होता है क्या, तो मिक्सचर के बारे में भी मैंने बताया था, ठीक है। मिक्सचर आखिर होता है क्या, तो मैं मिक्सचर से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मिक्सचर में बता दूंगा थोड़ा सा कल की, थोड़ा सा जल्दी मैं स्पीड में पढ़ाया था, उसको नहीं समझ आएगा फिर दोबारा देख ले। उसके बाद मैं मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस दिखा करके दिखाऊंगा कि मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन जो होता है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार कि बोर्ड और मिक्सचर, मतलब कंपाउंड और मिक्सचर में क्या चीज़ डिफरेंस होता है, दोनों के बीच कंपेरिजन कीजिए, ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए मैं इसके ऊपर कुछ मतलब बताता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर। कल मैंने मिक्सर के बारे में बताया था, ठीक है ना। फिर और आप लोग देख लीजिए कि मिक्सर होता है क्या, ए कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, माने एलिमेंट या कंपाउंड का कम्बिनेशन हो सकता है, एनी प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्रोपोर्शन होगा आपका, क्या होगा, यहाँ पे आपका प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, प्रोपोर्शन, ठीक, माने अनुपात होगा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन होगा, सो दैट द कंपाउंड डू नॉट लॉज देयर, मतलब इस तरह से होता है कि हम लोग कंपाउंड को, जो हम लोग आइडेंटिटी, उसको लॉज नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसका एग्जांपल कुछ है, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉइल, मैंने सब क्या हो गया आपको मिक्सचर के अंदर करता है, ठीक है। जैसे मैंने चीनी को लिया और पानी मिला दिया, ऊपर मिक्सचर हो गया, ठीक है। और उसी तरह से आपका इसमें दो टाइप्स होता है, होमोजेनियस होता है, हेटरोजेनियस होता है। होमोजेनियस में क्या होता है, इसमें जो इट हैज, मतलब जिसके पास होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मैंने जो मिलावट होता है एक, मतलब एकल, मतलब एक समान जैसा होता है, मैंने दोनों, मतलब पूर्ण रूप से इसमें घुल जाता है, कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है, बट इसमें कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होता हेटरोजेनियस में। इसका एग्जांपल लिखना चाहेंगे आप लोग तो लिख लीजिएगा ये, जैसे आप लोग, हम लोग पानी में, जैसे हम लोग चीनी को जैसे हम लोग पानी में घुलाते हैं, ठीक है, पानी को हम लोग इसमें चीनी में घुला दीजिएगा। और इसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे पानी ले लेते हैं और उसमें हम लोग बालू को जो मिलाते हैं, तो बालू पानी कभी घुलेगा, नहीं घुलेगा ना, तो इस मतलब जो पूर्ण रूप से डिजोल्व नहीं होता है और इसमें कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस हेटरोजेनियस, समझ में आ गया। तो होमोजेनियस हेटरोजेनियस क्या है, थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसे रिवाइज करवा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन अब जो ये क्वेश्चन है कंपाउंड, ठीक है, इसको थोड़ा देखते हम लोग। तो आज को मैं क्वेश्चन देखता हूँ कि कंपेरिजन बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, जो मैंने कंपाउंड एंड मिक्सचर पढ़ाया उसी का, मतलब आज मैं उसमें कंपेरिजन करता हूँ और दोनों के बीच का डिफरेंस होता है उसको मैं देखता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला कंपाउंड और मिक्सचर, कंपाउंड पर मैंने पूरा डिफिनेशन बताया था, इसमें बताया गया था कि ये प्योर सबस्टांस कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, मतलब दो या दो से अधिक मतलब कंपाउंड बोलो या तो, मतलब सॉरी एलिमेंट बोलो, ठीक है, जब हम लोग कंबाइन करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज बाई मास, माने मास के डिफरेंट रेशियो में, मास के डिफरेंट रेशियो में जब हम लोग उसको कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड का निर्माण होता है। इसको हम लोग यदि तोड़ेंगे ना, अगर H2O, जैसे मैंने, मेरे पास H2O अगर हम तोड़ेंगे तो ये मतलब डिफरेंट मास के द्वारा, मतलब ये मतलब कंबाइन होता है, जैसे इसको तोड़ेंगे तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में आ जाएगा, किसके द्वारा, एक सूटेबल केमिकल मेथड के द्वारा यदि इसको तोड़ते हैं तो एक तो अपना मतलब जो इसका पहले का जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एलिमेंट्स था उसके फॉर्म में आ जाएगा, ये बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड का मैंने डिफिनेशन बताया था आप लोगों को, मिक्सचर का भी पहले तुरंत बता दिया कि इसमें जो होता है ना एलिमेंट्स उसमें मतलब कंबाइन होता है वो एनी प्रोपोर्शन में होता है, माने कोई भी अनुपात में हो जाता है, ठीक है ना, ठीक, समझ बात कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलते हम लोग यहाँ पर थोड़ा इसका डिफिनेशन मैंने कंपेरिजन करके देखते हैं हम लोग क्या है इसका, ठीक है। तो लेटेस्ट स्टार्ट, सबसे पहले देखिए, टू और मोर एलिमेंट आर कंबाइन केमिकली, मैंने दो या दो से अधिक एलिमेंट्स हम लोग किससे कंबाइन करते हैं, केमिकली, केमिकली समझ रहे, रिएक्शन के द्वारा जो होता है, जैसे हम लोग H2 और O2 क्या करेंगे, केमिकली
ठीक है ना, इसे लेबोरेटरी वगैरह में जाके उसको रिएक्शन करवा के बनाया जाता है ऐसा कुछ, ठीक। तो ऐसे करके लेकिन इसमें जो होता है, टू और मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर, दो से अधिक एलिमेंट्स और कंपाउंड को जस्ट मिक्स करते हैं टुगेदर, माने कोई इसमें हम लोग मतलब इसमें कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होता ना कोई केमिकल, मतलब केमिकली दोबारा इसको किया जाता है। जैसे हम लोग सपोज दैट हम लोग जैसे सपोज दैट हम लोगों को मतलब कोई चीज़ का सोल्यूशन बनाना है, जैसे शरबत बनाना है, तो लोग क्या करते हैं चीनी लेते हैं पानी मिला देते हैं शरबत बन गया, उसमें क्या करते हैं कुछ हम लोग केमिकली रिएक्शन करवाते हैं कि नहीं करवाते, लेकिन बट इसमें कंपाउंड बनाने में बहुत सारा प्रोसेस वगैरह किया जाता है, ठीक है। जैसे लोग लेबोरेटरी में जाइएगा, मैंने केमिस्ट्री की लेबोरेटरी या तो में जाइएगा, तो उसमें जब आप लोग प्रैक्टिकल कर किए होंगे तो उसमें बहुत सारा जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है कैसे करके, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग एसिटिक एसिड बनाते हैं तो क्या निर्माण होता है, क्या चीज प्रोडक्ट मतलब बनता है, वो सब बनाते हैं हम लोग क्या चीज कंपाउंड में हो जाता है। तो कंपाउंड जब भी बनता है ना, तो कंपाउंड हमेशा किसी किसी द्वारा बनता है, एक केमिकल के द्वारा, बट मिक्सर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। मिक्सर आप लोग घर में खुद से बैठ के बना सकते हैं, बट कंपाउंड आप लोग घर के में बैठ के नहीं बना सकते। कंपाउंड बनाने के लिए आप लोग को एक लैब की जरूरत पड़ेगा, जो मतलब एक लेबोरेटरी में पाया जाता है, लेबोरेटरी में ही बनता है कंपाउंड, बट मिक्सर में ऐसा कुछ नहीं होता है। मिक्सर आप कहीं पे भी गेट के बैठ के बना सकते हैं, मिक्सर खुद से बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब दूसरा पॉइंट हम लोग जानते हैं चाहते हैं, इट कंटेन टू और मोर एलिमेंट, माने कंपाउंड हम बताए थे, कंपाउंड का मतलब जैसे मेरे पास H2O है, ठीक है, तो H प्लस ऑक्सीजन मिलाएंगे तो हम लोग क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो क्या बोल रहे हैं, इट कंटेन्स टू और मोर एलिमेंट, ये कंटेन करता है दो से अधिक एलिमेंट इन ये फिक्स्ड रेशियो, याद रखिए बात, इन ये फिक्स्ड रेशियो। अगर देखिए फिक्स्ड रेशियो का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ कितना दो है, यहाँ कितने दो हाइड्रोजन, कितना दो, तो अगर इसका 2:1 तो 2:1 रेशियो में ही हमेशा बनेगा हाइड्रोजन, ठीक है, इसका 2 रेशियो और इसका 1 रेशियो। अगर इसका 2 मोल आप लीजिएगा हाइड्रोजन, इसका 1 मोल लीजिएगा आप लोग ऑक्सीजन, तो आपका H2O का निर्माण होगा, हमेशा इस तरह लेना पड़ेगा आपको। यदि आप इस तरह नहीं लेते हैं तो आपका जो ये कंपाउंड है वाटर का निर्माण मतलब नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसका 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और इसका 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। आगे जब पढ़ाएंगे ना मोल कॉन्सेप्ट, मतलब मोल कॉन्सेप्ट उसके बाद, तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे कैसे इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इसमें फिक्स मास के द्वारा, देखिए यदि इसका वाइट फिक्स मास के द्वारा क्या होता है, देखिए अगर यहाँ वाटर कितना हो गया 2 ग्राम हो गया, ऑक्सीजन कितना 16 ग्राम, तो 2 ग्राम ऑक्सीजन हमेशा 2 ग्राम हाइड्रोजन आपको हमेशा लेना पड़ेगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन आपको हमेशा लेना पड़ेगा, तभी आपका जो H2O कंपाउंड का निर्माण होगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इट कंटेन्स, ठीक है, इट कंटेन्स टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, ये जो है दो या दो से अधिक एलिमेंट को कंटेन करेगा या तो कंपाउंड कंटेन करेगा इन या फिक्स्ड रेशियो। सॉरी यहाँ पर नोट होगा, इट नॉट कंटेन होगा, ठीक, सॉरी इट नॉट कंटेन होगा, ठीक है ना, मिस्टेक से लिखा गया, इट नॉट मैंने यहाँ कंटेन नहीं करता है दो से अधिक एलिमेंट इन फिक्स्ड रेशियो, मैंने फिक्स्ड रेशियो में इसमें कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं। जैसे आप लोग घर में मतलब बनाएंगे तो क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मतलब जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं या तो फिर कुछ और बनाते हैं, जैसे चाय बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं शुगर ले लेते हैं और प्लस वाटर ले लेते हैं, क्या इसमें फिक्स रेशियो कुछ मिलाते नहीं मिलाते, देख लेते हैं कितना, किसी को ज्यादा मीठा पसंद होता है, किसी को कम मीठा पसंद होता है, तो उसको अनुसार हम लोग बनाते हैं। इसमें कोई फिक्स रेशियो मिलाते नहीं मिलाते, इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो दूसरा पॉइंट भी ठीक समझ में आ गया आप लोगों को। तीसरा पॉइंट देखते हैं, एक कंपाउंड हैज डिफिनिट फॉर्मूला, देखिए एक कंपाउंड के पास जो होता है ना एक डिफिनिट फॉर्मूला होता है, जैसे देखिए हम लोग अभी लिए ना, जैसे हम लोग Mg प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इसका प्लस 2 होता है, इसका माइनस 2 होता है, दोनों को हम लोग क्रॉस कंपिलेशन करेंगे तो क्या बनता है MgO, इसका 2 इसके पास, इसका 2 होता है, क्या हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो क्या बना, एक डिफिनेट फॉर्मूला इसका निकला, हम लोग क्या बोलेंगे इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका डिफिनेट ऐसा नहीं होगा कभी कभी, आप बोलिए सर इसका नाम ऐसे कर दीजिए, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि गलत हो जाएगी कि इसका चार इसके पास, इसका चार इसके पास आता, तो गलत हो जाता, तो इसलिए इस टाइप से नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो बन रहा है आपका एक डिफिनेट फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ता है, कंपाउंड हर एक कंपाउंड का डिफिनेट फॉर्मूला होता है, जिसे हम लोग बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल देंगे, फिर उसको कैल्शियम ऑक्साइड बोल देंगे, उसको ब्लीचिंग पाउडर का होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, बहुत सारा कंपाउंड होता है जो आप लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो पढ़िएगा तो वहां पर आप लोगों को पता चलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, प्रोटीन्स का बहुत सारा टर्म आ जाता है इसमें, एसी के अंतर्गत आता है, उसके बाद आपका ऑयल्स का बहुत सारा टर्म इसी, मैंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो मतलब बताया ना वही कंपाउंड का ही टाइप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए ए मिक्सचर कैन नॉट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्मूला, ये मिक्सचर का कोई फॉर्मूला होता है, आपको बोल देगा कि शुगर प्लस वाटर मिला है, मतलब शुगर प्लस वाटर कोई मिक्सचर मतलब मिक्सचर का नाम बताइए, कोई बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, वो जानते हैं मतलब भाषा में बोला जाता है कि चाय है, लेकिन चाय कोई मतलब मिक्सचर का नाम नहीं है, ठीक है ना, मिक्सचर कोई नाम ही नहीं होता आपको इतना बात आता है, ठीक है ना, तो मिक्सचर कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है ना। अब हम लोग चौथा पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कंपाउंड
इज ऑलवेज होमोजेनियस, याद रखिएगा। एक कंपाउंड जो होता है ना हमेशा होमोजेनियस के फॉर्म में, होमोजेनियस का मतलब बताए ना अभी, जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है। तो इसमें कंपाउंड मतलब कंपाउंड जो हम लोग बनाते हैं, कंपाउंड जो केमिकली रिएक्शन होगा, केमिकली रिएक्शन क्या होगा, जो दोनों में क्या होगा, माने पूर्ण रूप से जब दोनों क्या होगा मिश्रित हो जाएगा, तभी ना वो होमोजेनियस बनेगा ना, मतलब पूर्ण रूप से डिजोल्व हो जाएगा, पूर्ण रूप से मिलावट हो जाएगा, तब तो बनेगा ना ये होमोजेनियस मिक्सचर। अब यदि ऐसा नहीं होगा, हेटरोजेनियस के केस में होता तो कंपाउंड निर्माण नहीं हो पाता, फिक्स रेशियो में निर्माण नहीं हो पाता, जितना सारा मैंने पहले बताया केमिकली नहीं हो पाता, ना फिक्स रेशियो में होता, ना उसके पास डिफरेंट फॉर्मूला होता है, सब सब सारा चीज नहीं होगा अगर ऐसा होता तो, ठीक है ना। बट ये मिक्सचर में क्या होता है, इसमें होमोजेनियस और हेटरोजेनियस दोनों होता है, बताया ना कि मिक्सचर जो है सो अगर हम लोग शुगर, मतलब जैसे हम लोग शुगर को किसमें मिला देंगे, शुगर को हम वाटर में मिला देंगे, क्या हो जाएगा होमोजेनियस। अगर हम लोग बालू को, मैंने सैंड इसको बोलते हैं, अगर सैंड को मिला देंगे किसमें, सैंड को अगर मिला देंगे किसी वाटर में, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजेनियस, मैंने हाइड्रोजन। अगर पानी को हम लोग, पानी में अगर हम लोग किसको मिलाएंगे, बालू को, तो क्या वो पूर्ण रूप से घूमेगा, नहीं घुलेगा ना, तो नहीं घुलेगा तो क्या हो जाएगा वो हाइड्रोजेनियस हो जाएगा, हाइड्रोजेनियस। अगर पूर्ण रूप से घुल जाएगा तो क्या हो जाएगा होमोजेनियस, ठीक। चौथा पॉइंट भी आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट होते जाता होगा, ठीक है। अब लोग लास्ट पॉइंट है तो उसको देख लेता हूँ, एक कंपाउंड, ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा, ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, सॉरी कैन नॉट बी सेपरेट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। ए कंपाउंड कैन नॉट बी, ए कंपाउंड कैन नॉट बी, देखिए बोल रहा है कि कंपाउंड को लोग इसके कंस्टिट्यूएंट में, जो मतलब हम लोग जिससे बनाए, हम लोग बताए ना अभी बताया तुमको H2O के बारे में बताया ना, तो H2O जैसे मैं मतलब सपोज दैट यहाँ पे मैंने H2O ले लिया, जगह ही नहीं बचता भाई, क्या बोलूं, H2O है, तो H2O को अगर हम लोग अलग करना चाहेंगे, कोई फिजिकल का मतलब क्या था, मैंने खुद से कर दिया, अपना घर में बैठ लिया, हम लोग स्टार्ट कर दिया, वो हो गया फिजिकल। मतलब एक्चुअली में ऐसा ही बोला जाता है कि फिजिकल जो था अपने घर में बैठ के किया जाता है, बट केमिकली जो होता है लेबोरेटरी में किया जाता है। तो आप लोग घर में बैठ के सोचिएगा कि हम लोग मतलब वाटर को खुद से, हम लोग ऐसे पानी को अलग से करना चाहूंगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, मैंने फिजिकली मेथड के द्वारा नहीं हो पाएगा, लेकिन जब इसको लेबोरेटरी में करना चाहिएगा अलग, तो केमिकली मेथड के द्वारा हो सकता है अलग हो जाए, ऐसा नहीं 100%, मतलब होने के चांस है और हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है लेबोरेटरी में, जो पॉसिबिलिटी है, मैंने पॉसिबल है, बट आप सोचिएगा कि घर में बैठ के फिजिकली मेथड के द्वारा करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तो ही होता है। तो मतलब हम लोग कंपाउंड को कंस्टिट्यूएंट ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं कर सकते, बट इट सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड, लेकिन इसको हम लोग केमिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसके पॉइंट को देखते हैं, ए मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड। अब देखिए आप बोलिएगा सर मिक्सर को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, आप नमक लीजिए और पानी ले लीजिए, सॉरी नमक पानी हटाइए इसमें, दूसरा कुछ एग्जांपल ले लीजिए, उसको मतलब पॉसिबल है सेपरेट, हम लोग ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए कि इसको बालू ले लीजिए और पानी ले, इसको घुला दीजिए, घुल गया तब उसको सेपरेट नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सेपरेट हो जाने के चांस होते हैं, बट इसमें सेपरेट होने के चांस नहीं, मैंने इसमें सेपरेट फिजिकली मेथड सेपरेट उसमें कर सकते हैं, बट इसमें केमिकली मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग कंपाउंड मिक्सर के बारे में बहुत अच्छा समझ में आएगा, मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट बताया, आप लोग 100% समझ में आएगा। एक छठा पॉइंट भी इसमें हो सकता है कि आप लोग ऐड करना चाहिए, लिख लीजिएगा कि कंपाउंड के पास हमेशा जो होता है ना फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मतलब कंपाउंड के पास हमेशा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, बट मिक्सर के पास ऐसा कुछ नहीं था। इसका जब भी आप जैसे 12th क्लास में जब पढ़िएगा आप सोल्यूशन चैप्टर, उसमें बहुत सारा चीज बताया गया है, सोल्यूशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा मैं उसमें कि मिक्सर में क्या होता है कि अगर मैं कोई भी चीज को मतलब मिला देता हूं, अगर मैं इसमें जैसे मैं सपोज दैट मेरे पास मतलब वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, अगर मैं वोलेटाइल मिलाऊंगा तो मतलब नॉन वोलेटाइल मिलाऊंगा तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट बिल्टिंग पॉइंट सब बढ़ते रहता है घटते रहता है, ठीक है ना। लेकिन कंपाउंड में ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस है 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। बट इसमें मिक्सर में कैसे मिलावट होते हैं तो सबका अलग अलग, सबका अलग अलग होता है ना इसमें, क्योंकि इसमें जो मतलब कंपाउंड जो होता है, मतलब इसमें कंपाउंड एलिमेंट जो होता है उन लोग दोनों का जो मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आप लोग कंपाउंड और मिक्सर का कंपेरिजन क्या और इसका डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आप लोग को अच्छा तरीके समझ में आएगा, आ गया होगा, ठीक है ना। तो आज मैं सोचा कंपाउंड और मिक्सर के बारे में कुछ बता दूं, यदि आप लोगों को अच्छा तरीके समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, और आइकॉन को नोटिफिकेशन का जो आइकॉन का बटन होता है उसको भी दबा के रखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं खत्म करता हूँ, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को पूर्ण तरीके से वीडियो के बारे में बताया, मतलब वीडियो में क्या चीज बताया गया अच्छा तरीके समझ में आए, और आप लोग भी संतुष्ट होवे, और हमको संतुष्ट करने के लिए एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।